रेनू बेटा, मैंने तेरी अम्मा के लिए ना दलिया रख दिया है गैस पे, तू देख लेना, मैं तेरी अम्मा को नहलाऊं। कल ही तो नवाया था आपने, क्या आप भी रोज रोज नवा देती हो उनको? रहने दो, क्या जरूरत है? अरे बेटा नहलाया हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, उनकी भी देह खुल जाएगी, पड़े पड़े उनकी भी कमर लग जाएगी, नहीं तो घाव हो जाएंगे कमर में। ठीक है तू देख लेना बेटा, ठीक है। अरे बेटा तू आ गई, एक कप दूध गर्म कर दियो, तेरी अम्मा की दवाई का टाइम हो गया है, दवाई दे आऊँ उन्हें। सो रही हैं अभी, अभी देख के आई हूँ, बाद में दे देना ना, फिर सारी दवाई लेट हो जाएंगी, डॉक्टर ने बोला था टाइम पे दवाई देनी है, अब वो बेचारी लेटे लेटे करेंगी क्या, नींद तो आ ही जाएगी, तो दूध गर्म कर जल्दी से। ठीक है। आज तो मम्मी से पूछ ही लेती हूँ, आखिर बात क्या है? आहिरा दे आई दवाई, डायपर भी गंदा हो रहा था वो भी बदल गया। मम्मी आज मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ, क्या पूछना है? मैंने आपको देखा है, आप है ना कुछ ज़्यादा ही सेवा करती हो अम्मा की, उनकी और भी तो बहुएँ हैं, वो मिलना तो दूर, कभी फ़ोन करके भी हालचाल नहीं पूछती उनका, और एक आप हैं। अरे बेटा वो उनके कर्म है, मैं तो केवल अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। और रही तेरी बात मेरी सेवा करने की, तो बेटा एक बात बताऊँ मैं तुझे, आज जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, तो तेरी दादी सास की सास यानी कि मेरी दादी सास, उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली थी। क्या मम्मी? कि तेरी सास ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत मेहनत की है इस घर को यहाँ तक लाने में, दिन रात एक किया है। वो तो यहाँ तक कहती थी कि उनके घर में खाने को ढंग से अनाज तक नहीं था। बेटा इस औरत की जीते जी खूब सेवा करना, मरने के बाद तो लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। अरे सेवा तो जीते जी की है, मरने के बाद कौन देखने आता है? और बेटा साल भर में वो चल बसी। सच बताऊं बेटा ये सचमुच देवी है, कहने को तो इनके तीन बेटे हैं, लेकिन इनके दोनों बेटों ने इनको इतना दुखी किया, इतने दुख दिए, लेकिन उनके लिए कभी उल्टे शब्द नहीं निकले इनके मुंह से। तेरे दोनों चाचाओं ने हमारी सारी जमीन जो हमारे हिस्से की थी सारी अपने नाम कर ली और हमें निकाल दिया घर से। तेरे चाचाओं ने तो बोला भी था कि माँ तुम हमारे साथ रह लो, बस घर से निकलते टाइम इनके एक ही शब्द थे कि मेरा केवल एक ही बेटा है। और बेटा देख हम खाली हाथ घर से निकले थे, और ये इन्हीं का आशीर्वाद है जो आज हम इतने बड़े घर में बैठे हैं। सच मम्मी आज आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया। अरे मरने के बाद पितरों को खुश करने से ज़्यादा अच्छा है उनकी जीते जी सेवा की जाए, उनको जीते जी खुश रखा जाए। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का।